जैसे ही नीतीश कुमार दिल्ली आए, नीतीश जनाब ने आते ही अपने तेवर दिखाए और तेवर देखते ही बीजेपी को पसीने आए। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। जैसे कि उम्मीद थी, और उम्मीद क्या, इस तरीके की हवा लगातार चल रही है जब से चुनाव के रिजल्ट आए हैं, और रिजल्ट के बाद से लगातार इस तरीके की बातें चल रही हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से अपना रंग दिखाएंगे, क्या नीतीश कुमार ने जो पेड़ लगाया था, क्योंकि साल 2024 से पहले आप लोगों को पता था, इलेक्शन से पहले नीतीश कुमार ही वो नेता थे जिसने विपक्ष को एक साथ एकजुट एक मंच पर लाए थे। नीतीश कुमार ने ही बातचीत की थी, नीतीश कुमार ही बीजेपी के खिलाफ सबसे पहले तल्ख तेवर के साथ आए थे। और अब जब नीतीश कुमार का वो जो हवा बनाई गई थी, अब जो विपक्ष इतनी मजबूती के साथ सामने आया है, विपक्ष की सीटें जब इतनी मजबूत तरीके से है और विपक्ष को नीतीश कुमार की जरूरत है, तो क्या नीतीश कुमार अपने उस लगाए गए पेड़ के फल को खाने के लिए विपक्ष के साथ आएंगे। अब सवाल क्या है कि नीतीश कुमार दिल्ली आ गए हैं अपने भतीजे के साथ। आपको पता है कि जो तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ एक प्लेन में बिहार से आ गए हैं दिल्ली। अब दिल्ली तो नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं, लेकिन जैसे ही दिल्ली पहुंचे, शर्तों के साथ पहुंचे, ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं, शर्तों के साथ पहुंचे हैं, और शर्त भी ऐसी हैं कि बीजेपी को पसीने आ गए हैं। नीतीश कुमार की शर्तों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, पहले आपको जान लेना चाहिए कि नीतीश कुमार बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है। देखिए, यह तो आपको पता है कि बीजेपी का मतलब जो गठबंधन एनडीए की, गठबंधन की 292 सीटें आई हैं, लेकिन अपने दम पर बीजेपी केवल 240 सीटें लाने में कामयाब रही है। अब ऐसे में 272 सीटें उनको चाहिए पूरे सरकार बनाने के लिए, 272 सीटें चाहिए और 40 सीटें हैं, तो 32 सीटें बीजेपी को और चाहिए। अब 32 सीटों में 12 सीटों वाले नीतीश कुमार बड़े अहम हैं बीजेपी के लिए। अगर नीतीश कुमार हट जाते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी फंस जाएगी मझधार में, तो ऐसे में नीतीश कुमार के हाथ पैर तो जोड़ने पड़ेंगे, उनको बाबूजी तो कहना पड़ेगा, नहीं कहोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब ऐसे में नीतीश कुमार, क्योंकि बड़े राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, वो पता है कि पिच कैसी है, नीतीश कुमार को पता है कि किस पिच पर किस तरीके से खेलना है। अटैकिंग क्रिकेट मूड में अब नीतीश कुमार आ चुके हैं। नीतीश कुमार को पता है कि सामने जो गेंदबाज है वो थोड़ा सा प्रेशर में है, ऐसे में उसका फायदा उठा लेना चाहिए। नीतीश कुमार इस बात को भली भांति जानते हैं, हवा, राजनीतिक हवा को पहचानना नीतीश कुमार जानते हैं। अब नीतीश कुमार ने आते ही बीजेपी के सामने शर्त रख दी है कि भाई साहब 3 मंत्रालय चाहिए। अब वो 3 मंत्रालय बीजेपी कैसे देगी, देगी नहीं देगी, नहीं देगी तो नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी तक की जो खबर निकल कर सामने आ रही है, नीतीश कुमार ने बीजेपी से 3 मंत्रालयों की मांग की है, 3 बड़े मंत्रालय, सेंटर में 3 मंत्रालयों की मांग की है। उसके बाद में राज्य में नीतीश कुमार कुछ मांग करेंगे। नीतीश कुमार को हालांकि विपक्ष ने भी नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया है, विपक्ष भी ये कह रहा है कि हम आपको मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री बना देंगे, और प्रधानमंत्री तक की भी ऑफर दिए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से। अब सवाल ये कि नीतीश कुमार क्या अब इंडिया गठबंधन में जाएंगे, क्योंकि वहां से प्रधानमंत्री का भी ऑफर है नीतीश कुमार को, जो सपना था, नीतीश कुमार का सपना था कि देश का प्रधानमंत्री बना जाए एक बार, तो क्या नीतीश कुमार विपक्ष जो मतलब महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन, क्या उसके साथ जाएंगे, या फिर जो एनडीए है एनडीए के साथ रहेंगे, क्योंकि एनडीए के साथ अभी नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे और एनडीए को नीतीश कुमार की जरूरत भी है। अगर एनडीए को अपनी सरकार बचाकर रखनी है तो भाई साहब नीतीश कुमार की शर्त तो माननी पड़ेगी, उनको मंत्रालय तो देने पड़ेंगे, जी हजूरी तो करनी पड़ेगी, बाबूजी तो कहना पड़ेगा। अब सवाल यही है कि नीतीश कुमार की क्या शर्तें मानी जाएंगी, अगर मानी जाएंगी तो किस कंडीशन के साथ, क्या उतने ही मंत्रालय दिए जाएंगे, या फिर नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारकर चले जाएंगे अपने पुराने सहयोगियों के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ। आपका क्या मानना है, क्या नीतीश कुमार की शर्तें बीजेपी मानेगी, या फिर नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के साथ चला जाना, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री पद का ऑफर उनको है, वहां पर प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है उनको, ये ऑफर उनको मिला हुआ है। तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू।